हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की। यह हमारा लेक्चर नंबर 6 है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का। DFCCIL में जो 12 नंबर का इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग आता है वो 2016 और 18 के पेपर के अकॉर्डिंग, अगर 2016 में हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और 2018 में मार्केटिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में हम लोग को कंप्लीट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर हम लोग 12 में से 12 नंबर स्कोर करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं। तो हमको कंप्लीट जो हमारी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे के एंड SSC के, जो भी हमारे CGL के एग्ज़ाम्स हैं या हमारे जो अभी RRB NTPC हुआ है, उसमें किस तरीके के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रेस किए गए हैं TCS के तरफ से, उस तरह की जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम हमारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हम लोग इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे या फिर मार्केटिंग के पढ़ेंगे, मार्केटिंग में हम लोग ज़्यादा जो DFCCIL ने 2018 में चीज़ें पूछी थी उनको पहले अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग जो और भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं उसको भी देखेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी हिसाब से आप लोग को लेक्चर्स को अटेंड करना है। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे CRM पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे, तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। कई बार सिलेक्शन जब एक मार्क्स से रुक जाता है तब हमको समझ में आता है कि हमने उस वक्त क्यों पढ़ाई नहीं की। तो जितने भी लेक्चर्स हैं अगर हम आपके लिए अच्छे से ला रहे हैं तो इसका आप लोग भरपूर जो है उपयोग करिए। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक जानेंगे, हम लोग जानेंगे प्राइजिंग मॉडल। हमारे 2018 के पेपर में आउटकम बेस्ड प्राइजिंग मॉडल पे क्वेश्चन आया था। तो ये जितने भी प्राइजिंग मॉडल हैं, जो हमारे 4 स्पेशल प्राइजिंग मॉडल हैं, जो जितने भी मेजर कंपनीज हैं जो जिसको यूज़ करती हैं, इन सभी को हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे वॉल्स फ्रेमवर्क। वॉल्स फ्रेमवर्क पे भी क्वेश्चन आया था 2018 में कि कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वॉल्स फ्रेमवर्क। तो ये पूरा वॉल्स फ्रेमवर्क क्या है इसको हम लोग सबसे पहले आज समझ लेंगे, ताकि आने वाले वीडियोस में भी इसका इस्तेमाल जो मैं करूँगा उसमें भी आप लोग को इस चीज़ का बेनिफिट हो, और एग्ज़ाम्स में जब भी इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल सही तरीके से सही करके बाकी बच्चों से आगे निकल जाइए। फिर हम लोग जानेंगे जो हमारी इंडियन करेंसी है, इसमें जो इसका सिंबल है और इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम के लिए, TCS इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है। तो TCS के पेपर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जो DFCCIL का पेपर है वो भी TCS ही कंडक्ट करवा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि TCS ही कंडक्ट करवाएगा। तो उसी के सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग जानेंगे जो हमारे करेंसी नोट प्रेस हैं, इससे RRB NTPC में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो DFCCIL में भी इकोनॉमिक्स के पार्ट से इस पे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लास्ट में हम लोग जानेंगे किसी भी करेंसी के पीछे जो भी सिंबल्स बने हुए हैं, 10 रुपये की करेंसी के पीछे कौन सा सिंबल बना है, 100 रुपये के पीछे कौन सा सिंबल बना है, और इसी तरह जो हमारे 2000 की नोट है, इन सब के पीछे जो भी सिंबल्स बने हैं इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। देखिए बच्चों, प्राइजिंग मॉडल एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो प्राइजिंग मॉडल का इस्तेमाल नहीं करती है। ये क्या हेल्प करता है, इससे क्या होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री कोई भी गुड सर्विसेज बना रही है, अब वो मार्केट में उसको बेचने जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, वो ये सोचती है कि हम किस टाइप के प्राइजिंग मॉडल को अपनाएं कि हमको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। तो टोटल ऐसे 4 प्राइजिंग मॉडल हैं जो मार्केट में काम करते हैं। इन 4 टाइप्स के जो मॉडल्स हैं ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सूट करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जिनका ज़्यादा रेवेन्यू होगा परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइजिंग मॉडल से, कुछ ऐसी होंगी जिनका कॉस्ट प्लस प्राइजिंग मॉडल से ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है, कुछ होंगी जिनका आउटकम बेस्ड प्राइजिंग मॉडल से होगा, कुछ का होगा कंपटीशन बेस्ड प्राइजिंग मॉडल से। तो इस तरीके के जो 4 प्राइजिंग मॉडल मार्केट में बनाए गए हैं,
इनका उपयोग हर एक इंडस्ट्री करती है बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी दे प्रोवाइड टू द कस्टमर। जो भी चीज़ें या गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसी के हिसाब से वो अपना प्राइसिंग मॉडल खुद तय करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है प्राइसिंग मॉडल वो है परफॉर्मेंस बेस्ड। देखिए, जब जैसे आपने देखा होगा आर्टिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो जब भी किसी ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए उनको बुलाया जाए या किसी फंक्शन के बुलाया जाए तो ये पहले ही वो बता देते हैं कि मेरा इतना प्राइस तो है बट अगर इससे ज़्यादा मैं गाने गाऊंगा या इससे ज़्यादा मैं परफॉर्मेंस देता हूँ तो मुझे इतना एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है, उस आर्टिस्ट को परफॉर्म करते वक्त अपने प्राइस या पैसे के बारे में नहीं सोचना होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से आपको डिलीवर कर सकता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री है या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, अलग अलग साइट्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने अपना एडवर्टाइजमेंट किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को दे दिया तो वो एडवर्टाइजमेंट की कंपनी क्या सोचेगी, हम आपके 200,000 एड्स चलाएंगे और इसके लिए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं 50,000 रुपये। तो इससे क्या होगा, उसने पहले ही आपको ये बता दिया कि अगर हम आपके 200,000 एड्स चलाने वाले तो हम 50,000 चार्ज करेंगे और अगर 400,000 चलाएंगे तो हम 80,000 चार्ज करेंगे, 100,000 चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज़्यादा वो आपके एड्स चलाएगी, जितना ज़्यादा उन एड्स पे क्लिक होगा, मतलब क्लिक थ्रू रेट, आप किसी भी एड पे जब क्लिक करते हैं तो ही आप उसके साइट पे पहुँचेंगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है। सपोज आपको कैब का अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसके नीचे कोई लिंक दिया हुआ है तो आप लिंक ओपन करेंगे तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, क्लिक थ्रू रेट। अगर 100 लोग आए और उसमें से 10 लोगों ने क्लिक कर दिया तो हमारा क्लिक थ्रू रेट हो जाता है 10%। तो अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा है तो क्या होता है कि आप अपने जो आपको देने वाला एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है, आप कह सकते हैं कि हम इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि आपके साइट पर रीच होने वाली जो ऑडियंस है वो बढ़ जाएगी। प्लस कुछ आप देखते होंगे एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग लोग जानते होंगे, अमेज़ॉन से एफिलिएट मार्केटिंग कई लोग अपनी लिंक करते हैं या फ्लिपकार्ट से भी पहले लिंक करते थे, अब तो सारी चीज़ें वो जुड़ चुकी हैं। तो ये जो अमेज़ॉन है ये क्या करता है कि ये अलग अलग जो हमारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं इनको ये एक लिंक देता है, अगर आपके लिंक से कोई भी हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, हमारे साइट पर आके प्रोडक्ट खरीदेगा तो हम आपको कुछ मनी जो है वो रिटर्न देंगे। तो जिसका CTR, जिस एफिलिएट मार्केटर का CTR सबसे ज़्यादा होगा उसको अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा पैसा देना चाहेगा। इसी तरीके से होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल और इसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है एक मार्कअप परसेंटेज मान लेती है। जैसे हमने एक गुड्स को बनाया, सपोज हमने एक पेन बनाई, अब हमने इस पेन को बनाने के लिए टोटल 1 रुपये खर्च किए बट हम चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में हम इस पेन में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमारी पेन और ज़्यादा बिके, प्लस हम चाहते हैं कि इस पेन की जो वैल्यू है या इसके जो लिखने का जो तरीका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या सोचते हैं, हम इसको मार्कअप करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम इसकी और भी अच्छी जो वैरायटी है उसको मार्केट में लाएंगे। तो उसके लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हमने पहले से एक डिसीज़न ले लिया है कि हमको इस तरीके का इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में आगे करना ही करना है, तभी हमारा ये मार्केट में फुली कैप्चर हो पाएगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले उस पेन को बनाने में जो कॉस्ट लगेगा उसको ले लेंगे 1 रुपये प्लस मार्कअप परसेंटेज, कितना वो उसमें और चीज़ों को ऐड करने वाली है, सपोज़ वो 10% सुधार करने वाली है, तो अगर वो 10% सुधार करने वाली है तो लगभग अगर वो 1 रुपये की पेन बना रही थी तो उसको 10 पैसे एक्स्ट्रा या 15 पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो चीज़ भी वो उसमें ऐड कर देगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके हिसाब से वो अपना सेलिंग प्राइस रखेगी, मार्केट प्राइस, कि उसको जो मार्कअप प्राइस है वो भी अपने प्रॉफिट में मिल जाए। जो उसका प्रॉफिट पहले होने वाला था, अगर 1 रुपये का सामान 2 रुपये में बिकता तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होता, तो अब वो क्या करेगी, 1 रुपये 15 पैसे मान के वो 2 रुपये 15 पैसे का सामान बेचेगी ताकि तब भी उसको 1 ही रुपये का प्रॉफिट हो। इसी तरीके से होता है कंपटेटिव प्राइसिंग मॉडल। इसमें जब भी आप देखते होंगे कोई FMCG ब्रांड्स होती हैं
जो नॉर्मली गुड्स को बनाती हैं। तो बहुत सारी FMCG ब्रांड्स हो चुके हैं इस वक्त वर्ल्ड में, तो वो क्या करती हैं, हर एक प्रोडक्ट को उनसे सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में है, आपको पता होगा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, जो टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो ये जो कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग मॉडल है, इसको वही इंडस्ट्रीज फॉलो करेंगी जो किसी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट को बनाती हैं। इसी तरीके से होता है कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग मॉडल, इसमें जब भी आप देखते होंगे कोई FMCG ब्रांड्स होती हैं जो नॉर्मली गुड्स को बनाती हैं, तो बहुत सारी FMCG ब्रांड्स हो चुके हैं इस वक्त वर्ल्ड में, तो वो क्या करती हैं, हर एक प्रोडक्ट को उनसे सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में है, आपको पता होगा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, जो टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। तो ये जो कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग मॉडल है, इसको वही इंडस्ट्रीज फॉलो करेंगी जो किसी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट को बनाती हैं। इसी तरीके से होता है एक आउटकम बेस्ड प्राइजिंग मॉडल। देखिए, अभी तक जो पीछे कॉम्पिटेटिव प्राइजिंग मॉडल था, उसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जितना कॉस्ट होता है उसके हिसाब से चीज़ों को तय किया जाता है। अगर 100 रुपये कॉस्ट लगता है हमको बनाने में उस प्रोडक्ट को, तो हम 150 रुपये में उसको बेच सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट होता है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट जो हमारा आउटकम बेस्ड प्राइजिंग मॉडल है, इसमें कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जो ऐप्स बनाई जाती हैं, तो आप जो जिससे भी अपने एप्लीकेशंस बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे, तो आप जिस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसी तरीके का चार्ज आपसे वो वेबसाइट का जो डिज़ाइनर है वो लेता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसी के हिसाब से वो चार्ज लेता है। अगर वो वेबसाइट बनाने से आपके बिजनेस में 10% का इजाफा हो रहा है, तो वो ज़रूर मांगेगा कि जो भी 10% का आपको इजाफा हो रहा है उसका एटलीस्ट आप जितना भी टोटल प्राइस बनता है उस टोटल प्राइस का हमको 1% तो दो या 2% तो दो, क्योंकि ये सारा का सारा हो तो हमारी मेहनत से ही रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में जो भी उस प्रोडक्ट को बनाता है वो सीधा कंपनी को ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड करता है जिसको कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती हैं अपने आउटकम के बेस पे प्राइस देने के लिए। 2018 के पेपर में इसी पे एक क्वेश्चन आया था कि IT इंडस्ट्रीज आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करती हैं कि किसको करती हैं, तो उसका आंसर आउटकम बेस्ड था। IT इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं, अगर उनको 10,000 रुपये अगर उनको खर्च होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो वो उस कंपनी से उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट में उसी के हिसाब से पैसा मांगेंगी। अगर वो किसी बड़ी फर्म के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसके लिए वो लाखों रुपीज़ भी मांग सकती है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने वाले यूज़र ज़्यादा हैं और उससे कंपनी को हमेशा रेवेन्यू आता रहेगा। और जहाँ पे अगर कम ही यूज़र्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो IT फर्म्स क्या करती हैं कि जानती हैं कि ये जो नया बिजनेस है इसमें अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए जो स्मॉल जो डिज़ाइनर्स होते हैं अधिकतर लोग उनसे बनवाने लगते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी IT जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करती हैं। तो यहाँ ऐसे में क्या होता है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लोग, वो भी इस सेक्टर में उभर सकते हैं। तो अगर आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल का अगर हम लोग लॉस देखें, तो क्या होता है, ये बहुत सारे नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इसको भी मार्केट में लेके आ सकता है, क्योंकि बड़ी चीज़ों के लिए प्राइस देना सबके लिए संभव नहीं होता है। और अधिकतर जो IT इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हीं लोग का काम लेंगी जो बड़े प्राइस हमको दे सकें, क्योंकि हम उनको ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, ज़्यादा आउटकम दे सकते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा चार्ज लेंगे। तो इसका यही सबसे बड़ा लॉस है। ये प्राइसिंग मॉडल में इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक बात को मैंने समझाया, इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखिए। देखिए, अब हम लोग समझते हैं वॉल्स फ्रेमवर्क क्या है। तो वॉल्स का फुल फॉर्म है वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 2018 के पेपर में वॉल्स फ्रेमवर्क से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि वॉल्स फ्रेमवर्क में टोटल कितने टाइप के कंज्यूमर्स को लिया जाता है, कितने टाइप के मार्केट सेगमेंटेशन है कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग टू द वॉल्स फ्रेमवर्क। तो उसका आंसर था 8। तो इन्हीं 8 टाइप के कंज्यूमर्स को वॉल्स फ्रेमवर्क में पढ़ा जाता है। वॉल्स फ्रेमवर्क में कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन अब दोबारा से आ सकता है,
DFCCIL का आप लोग बिल्कुल अगर पेपर को फॉलो करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि CRM में जिस तरीके से 2016 में क्वेश्चंस आए थे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के सेम क्वेश्चन 2018 में भी आए थे। तो मार्केटिंग 2018 में सबसे पहली बार आया था, तो अब 2021 में जब भी हमारे मार्केटिंग क्वेश्चंस आएंगे तो उन टॉपिक से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पहले आ चुके हैं। तो वॉस फ्रेमवर्क इसी हिसाब से हम लोग का समझना है कि नया कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तुरंत उसको बना लें। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्स फ्रेमवर्क एक्चुअली आया कहाँ से। वॉल्स फ्रेमवर्क की जो शुरुआत है या वॉल्स फ्रेमवर्क के ऊपर जो रिसर्च है वो की गई थी SRI इंटरनेशनल कैलिफोर्निया के द्वारा। ये एक रिसर्च करने वाली संस्था है जो इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर SRI इंटरनेशनल रिसर्च करती है, इस बात को बिल्कुल याद रखेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो SRI इंटरनेशनल है इसने वॉल्स फ्रेमवर्क का जो अभी प्रेजेंट एडिशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 8 जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन है ये कब आया है, तो ये आया है 1978 में। इसके पहले भी वॉल्स फ्रेमवर्क आया था बट बहुत सारी कंपनियों को ये महसूस हुआ कि ये गलत है, इस तरीके से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो 1978 में जो 8 सेगमेंटेशन, 8 लोगों का जो कंज्यूमर टाइप है उसका जो हमारा टोटल डिवीज़न आया है वो इस वक्त जितनी भी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं उनको सही लगता है। तो वॉल्स फ्रेमवर्क 1978 में SRI इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया था या इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसका जो पेपर है उसको पब्लिश किया गया था। तो इसको किया किसने था ये टोटल रिसर्च को, तो इसका जो नाम है, जो प्रोफेसर थे इनका नाम आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वॉल्स फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो एर्नॉल्ड मिटचल ने ये सारी रिसर्च करके पेपर को पब्लिश किया था। अब देखिए वॉल्स फ्रेमवर्क में टोटल 8 टाइप के कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये 8 टाइप के जो कंज्यूमर हैं इनका जो डिवीज़न है वो किया गया है उनके लाइफ स्टाइल और उनके वैल्यूज़ के ऊपर, वो किस तरीके के वैल्यूज़ को प्रिफर करते हैं और किस तरीके के लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं। जैसे कोई भी यंग एज का पर्सन है तो वो फैशंस को बहुत पसंद करता है, या कोई हायर इनकम ग्रुप का पर्सन है तो वो इंटेलेक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा या जो उसका स्टेटस शो करें तो इस तरीके का लाइफ स्टाइल वो जीना चाहता है। तो इसी तरह का डिवीज़न अलग अलग लोगों के बेस पे, जो उनका इनकम है, उनकी जो एजुकेशन है, जो उनका बैकग्राउंड है, किस तरीके के सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके किया गया है। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स इस तरीके के कंज्यूमर होते हैं जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप में आते हैं। जब भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे या जो भी लोग किसी भी सोसाइटी में सबसे अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी इमेज को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। तो अगर वो घड़ी खरीदने जाएंगे तो वो कोई नॉर्मल घड़ी नहीं खरीदेंगे, वो हमेशा चाहेंगे कि हम रोलेक्स की घड़ी खरीदें, या अगर वो फ़ोन्स खरीदने जाएंगे तो वो जो फ़ोन सबसे महंगा होगा उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उनकी इमेज है किसी भी अमीर इंसान की या किसी भी बड़े इंसान की वो बरकरार रह सके। उनको भले उसमें प्रॉफिट दिखे चाहे ना दिखे या उनको लॉस भी दिखता हो, बट अगर वो ब्रांड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो उसका प्रोडक्ट वो लोग सबसे पहले खरीदते हैं। तो जब कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है जो किसी के इमेज को शो करे तो वो इनोवेटर्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेगी, तो वो उन्हीं तरीके के अपने एडवर्टाइजमेंट में चीज़ों को लेगी जो इनोवेटर्स के जो सेगमेंटेशन है वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं के हिसाब से ऐड बनाया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो उस एड्स को देख के कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदने जाएगा। जिसके पास है पैसा वही उस एड से अट्रैक्ट हो सकता है और उसी के हिसाब से सिर्फ वो कंपनी काम करेगी। नेक्स्ट जो इसकी जो सेगमेंटेशन है वो है थिंकर्स की, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं और उनके पास पैसा भी है बट उनके पास जिम्मेदारी बहुत है। पैसा तो है, सपोज़ वो अगर 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं बट उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि उनको लास्ट में कुछ भी सेविंग नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो वो उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों देख के खरीदते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कंज्यूमर्स। जो हमारे थिंकर्स होते हैं इनको बोला जाता है प्रैक्टिकल कंज्यूमर्स,
ये कोई भी प्रोडक्ट बिना सोचे समझे नहीं खरीदेंगे। इसीलिए जब भी एडवर्टाइजमेंट इनके लिए बनाया जाएगा तो ये सोचा जाएगा कि जितनी भी चीज़ें सोचते हैं प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड, हम अपने इस एड में उसको बता सकें। इसी तरीके से होते हैं हमारे बिलीवर्स इस तरीके के लोग होते हैं जो किसी एक खास चीज़ पे उनका बहुत ही ज़्यादा बिलीव होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन हिंदू है या मुस्लिम है, तो अगर उसका अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, या कोई राष्ट्रवादी है, कोई स्वदेशी है जो सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो इस तरीके के जो लोग हैं किसी एक थॉट से पूरे तरीके से प्रभावित होके वो कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में लेते हैं। तो इनके डिसीजन लेने का जो पर्सपेक्टिव है वो है जिस बिलीव को फॉलो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो हमेशा चलते रहेंगे। तो अगर इनके लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी बनाएगी तो वो उनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग बनाएगी ताकि वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो है अचीवर्स की। अचीवर्स ऐसे लोग होते हैं जो बड़े लोगों की बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और उसी तरीके से अपने आप को भी बनना चाहते हैं, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम फुली बहुत ही अच्छे तरीके से अब सक्सेसफुल हो चुके हैं जैसा मुझे होना चाहिए, ताकि बाकी जो लोग हैं वो मेरी इज्जत करें। तो ये लोग जिस तरीके से बाकी लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मेरी भी बहुत लोग इज्जत करें, इसीलिए कई शो ऑफ की चीज़ें हमेशा मार्केट से खरीदते हैं जो इनके स्टेटस को दिखा सके। इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है बट शो ऑफ की चीज़ों के लिए खर्चा कर देते हैं। कई लोगों को आप लोगों ने ऐसे बहुत बार देखा होगा जो अधिकतर शो ऑफ करते हैं अपने लाइफ में, तो वो सभी लोग जो है वो अचीवर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो है स्ट्राइवर्स की। स्ट्राइवर्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी खास कैटेगरी के पीपल को एक तरीके से कॉपी करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई शाहरुख खान का फ़ैन है, कोई सचिन तेंदुलकर का फ़ैन है, तो अगर वो सचिन तेंदुलकर की तरह वो कपड़े खरीदता है, या कोई एक्ट्रेस है उसके सेम टाइप के जो फैशन है उसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं वो लोग हमेशा फॉलो करती हैं, वो उसी टाइप का फैशन फॉलो करेंगी जो कोई खास एक्ट्रेस यूज़ करती है, या उस तरह के कपड़े या उस तरह का मेकअप। तो इस तरह के जितने लोग होंगे जो किसी एक खास पर्सन की चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं वो लोग आ जाते हैं स्ट्राइवर्स के अंदर। तो इनकी भी मार्केटिंग स्टडी उसी तरीके से बनाई जाती है। अगर शाहरुख खान के फैंस को हम लोग को टारगेट करना है, ऑडियंस हमको चाहिए शाहरुख खान की जिसको हम लोग कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो हम लोग शाहरुख खान से ऐड करवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जिस के हिसाब से हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, सपोज साइना नेहवाल हो या सानिया मिर्जा हो, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की कोई चीज़ बनाते हैं तो जो भी लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं वो लोग उनके हिसाब से चीज़ों को खरीदेंगे। अभी जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, तो अब एथलीट में जितने भी एथलीट में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि नीरज चोपड़ा को तो लोग इंस्पिरेशन मानते ही हैं, तो उन्हीं से अपना ऐड करवाया जा सके। इसी तरीके से होते हैं एक्सपीरियंसर्स। एक्सपीरियंसर्स ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों का। ये हर वो काम करेंगे, हर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जिससे इनको लगता है एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस इनको गेन होगा। तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम एक्सपीरियंस होता है, तभी ये एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंसर्स में आप लोग कन्फ्यूज ये मत होइएगा कि इनके पास एक्सपीरियंस है, बल्कि ये लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि सबसे यंगेस्ट ग्रुप यही होता है। सारे जितने भी कंज्यूमर हैं, सबसे नौजवान और जो हमारे युवा लोग हैं वो सभी लोग एक्सपीरियंसर्स में आते हैं, जो अपने कपड़ों में या अपने मोबाइल्स में, घड़ियों में, म्यूज़िक, ये सब चीज़ों में बहुत ही हैवली स्पेंड कर सकते हैं। इनको पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं पता होती, ये हर टाइप की चीज़ों को शौक़ रखते हैं और उसको एक बार यूज़ करके देखना चाहते हैं। तो ये सभी जो लोग हैं एक्सपीरियंस, इनके लिए कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जो इनको कोई खास तरीके का एक्सपीरियंस देगी, बिल्कुल खरीद लेते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो है मेकर्स की। मेकर्स ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो अपने फैमिली का देखभाल करते हैं या अपनी फैमिली को ही पूरा वर्ल्ड मानते हैं, इनको आउटसाइड वर्ल्ड से ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये अपने फैमिली के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसी को ये हमेशा बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए हर काम करते हैं ये लोग। तो मेकर्स ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने फैमिली के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसलिए मेकर्स को कहा जाता है कि इनको सबसे कम इंटरेस्ट होता है किसी भी हाई प्रोफाइल या किसी भी मतलब लार्ज कॉस्ट में कोई भी जो हमारा प्राइस पे कोई भी सामान बिक रहा है उसको ये लोग जल्दी नहीं खरीदेंगे। तो मेकर सबसे कम पैसा खर्च करते हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा सेविंग होती है।
लास्ट जो कैटेगरी होती है वो है सर्वाइवर्स की। सर्वाइवर्स ऐसे लोग होते हैं जो अब अपनी उम्र को काट रहे हैं, ये सभी जो पुराने समय में जो पहुंच चुके हैं, जिनकी 61 से ज़्यादा एज पार हो चुकी है, अब वो लोग क्या करते हैं, उनको जो वही वो चीज़ें खरीदेंगे जो बिल्कुल लोयल हो, जिस पे ये लोग विश्वास कर सकें। या तो ये किसी ब्रांड की चीज़ें खरीदेंगे या किसी खास दुकान से सामान खरीदते हैं जहाँ पर इनको विश्वास होता है। चलिए, आई होप ये जितना भी वॉश फ्रेमवर्क में जितने टाइप के कंज्यूमर हैं, सभी कंज्यूमर्स को आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी एक कंज्यूमर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यह वॉश फ्रेमवर्क ओवरऑल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बताया, एड्स बनाने के लिए कंपनियां वॉश फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती हैं, या अपने सेलिंग की जो भी स्ट्रेटजी होती है उसके लिए वॉश फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती हैं। तो इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वॉश फ्रेमवर्क से आ सकता है। चले हम लोग समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंडियन करेंसी को। देखिए, इंडिया ऐसा पांचवा देश बना है जिसने एक यूनिक सिंबल अपनाया है अपनी करेंसी के लिए। इंडिया की जो करेंसी है रूपी, उसके लिए एक यूनिक सिंबल को अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। इस सिंबल को बनाने वाले जो हमारे डिज़ाइनर थे वो थे डी उदय कुमार, जो कि IIT मुंबई के एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन्होंने IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया है और इन्होंने एक सिंबल बनाया था, रूपी सिंबल, जो सभी लोग जानते होंगे ये हमारा सिंबल है। ये रूपी सिंबल जो हमारा है, आप सभी को दिख रहा होगा रूपी सिंबल, ये सबसे पहले बनाया है डी उदय कुमार जी ने। और किस स्क्रिप्ट में बनाया है, देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, 15 जुलाई 2010 को। और स्क्रिप्ट भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, TCS के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट, ये जो हमारा रूपी सिंबल है, दोनों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। फिर इससे रिलेटेड और जो बात याद करने वाली है, आपको याद रखना है कि इंडियन करेंसी को हमारे RBI के द्वारा ही लीगल टेंडर किया जाता है। मतलब कोई भी करेंसी अगर इंडिया में छपेगी तो वो लीगली वैलिड है कि नहीं, उसके ऊपर एक RBI का स्टैम्प लगेगा। और RBI इन चीज़ों को डिसाइड कर सकती है कि करेंसी को किस तरीके से लीगल टेंडर करना है। तो RBI एक सेंट्रल अथॉरिटी है। पिछले वीडियो में मैंने RBI के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, जो लोग वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं RBI के बारे में अच्छे से जान लीजिए, सब कुछ पीछे बताया गया है। तो RBI ही सारी चीज़ों को करती है, बट एक रुपए का जो हमारा नोट है वो RBI नहीं छापती। एक रुपए के जो हमारे नोट हैं या हमारे जितने भी सिक्के छपते हैं इंडिया में, वो सभी को छापने का काम करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो छापता है 1 रुपए की नोट और जितने भी सिक्के हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो आपको उस पर ये टिक मारना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी का जो सिग्नेचर है वो 1 रुपए के नोट पे प्रेजेंट होगा। और 2 रुपए से जितने भी नोट छपते हैं, जितने भी बड़े नोट्स तक छपेंगे 2000 तक, तो 2 रुपए से 2000 तक जितना भी नोट्स है वो सारा का सारा छापता है RBI। तो आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। चले तो देखिए कहाँ पे इंडिया में हमारे नोट्स छपते हैं, ये हम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है TCS के एग्ज़ाम्स के लिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो बहुत ही ज़्यादा रेस होते हैं। DFCCIL का एग्ज़ाम TCS ले रहा है, इस तरह के क्वेश्चन रेस कर सकता है। इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, तभी मैंने लिया, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को एक एक पॉइंट इनमें से याद होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में कहाँ पर नोट प्रेस है, तो आपको याद होना चाहिए कि नासिक जो है वो वेस्टर्न इंडिया का नोट प्रेस है। इसी तरह जो सेंट्रल इंडिया का अगर आपसे पूछे तो देवास जो MP में, वहाँ पे पैसे या नोट छपते हैं। इसी तरह का साउदर्न इंडिया में पूछा जाए तो मैसूर में छपते हैं, और अगर ईस्टर्न इंडिया में पूछा जाए तो सलबोनी में छपते हैं। तो ये चार जगह आपको कौन ईस्टर्न में आता है, कौन वेस्टर्न में आता है, इस तरीके से बिल्कुल याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे सिक्के हैं इंडिया में वो किस किस जगह पे छपते हैं, तो ये जो चार शहर हैं, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा, ये चार शहर में से कोई भी आपको एक ऑप्शन में दे सकता है, या फिर हो सकता है कि तीन ऐसे ऑप्शन हैं जो जहाँ पे नोट पे छपते हैं, और पूछे कि कहाँ पे नहीं छपते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में हमारे सिक्के छपते हैं। जो सिक्के जारी होते हैं वो इन्हीं मिंट से जारी होते हैं, यहीं पे हमारे जितने भी सिक्के हैं बनते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन सिक्कों को जो बांग्लादेश, जो हमारे कोलकाता में बनता है सिक्का,
तो कोलकाता में जितने भी सिक्के वो जहां पे इकट्ठा करके लोग वहां से ले जाते हैं बांग्लादेश में, और उसी मेटल का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हायर कॉस्ट पे बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी को लॉस होता है। अगर हमारे देश में कोई सिक्का छपा और वो इंडिया से बाहर चला जाए और इंडिया को पता न चले कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी रह गई, तो हम लोग उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो हम लोग कोई भी अगर सिक्का जारी करते हैं तो वो हमेशा इंडिया में ही रहना चाहिए और वो हमेशा एक्सचेंज होते रहना चाहिए। कोई भी करेंसी कभी भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी का सबसे बड़ा रूल होता है, 1 रुपए भी अगर आप बर्बाद करते हैं तो देश की इकोनॉमी को आप डायरेक्टली जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को आप सभी बच्चे भी याद रखेगा, सिक्के भी अगर आपके पास इकट्ठा रहते हैं तो उनका भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारी करेंसीज होती है, चाहे 10 रुपए का नोट हो 20 रुपए का, इन सब के पीछे एक खास टाइप का सिंबल बना होता है। ये अधिकतर जो होते हैं या तो ये ऐसी साइट्स होती हैं या रामसेट साइट्स होंगी या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगी। तो ये जो भी इंडिया की फेमस साइट्स हैं उन्हीं को हम अपने नोट्स में कवर करते हैं, ताकि जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो इतनी अच्छी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बता सकें। तो जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर है। कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट के पीछे है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जैसे आप सूर्य की अर्चना करने जाते हैं, तो मान के चलिए कि किसी मंदिर में आपको रोज 10 रुपए का सामान खरीदना पड़ता है, अगरबत्ती या कुछ ऐसी कपूर वगैरह खरीदना पड़ता है सूर्य की अर्चना के लिए। तो 10 रुपए के नोट पे आपको सूर्य जो मंदिर है उसकी इमेज दिखती है। इसी तरह जो 20 रुपए का नोट है उसमें एलोरा केव्स, महाराष्ट्र, एलोरा केव्स आप लोग जानते होंगे, अजंता एंड एलोरा, ये दो केव्स हैं महाराष्ट्र में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये एलोरा की गुफाओं, जो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की, उसकी तस्वीर है 20 रुपए के नोट पे। इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब आप सूर्य की जब 10 रुपए की अर्चना करते हैं तो उसके बाद जब भी आपको जाना पड़ता है अपनी तपस्या करने के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे, गुफा में जाएंगे। तो जब आप गुफा में जाएंगे तो आपने 10 रुपये पहले खर्च किया एक अर्चना करने के लिए सूर्य की, उसके बाद आपने 10 रुपये और खर्च किया, वहाँ का टिकट कटाया जहाँ पे एलोरा गुफाएं हैं, वहाँ जाके आप बैठे, तो आपके टोटल खर्च हो गए 20 रुपये। इस तरीके से आप 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा गुफा इसको याद रख सकते हैं। अब 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी, हम्पी चैरेट जो कर्नाटक के विट्ठल मंदिर में है इसकी तस्वीर है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप किसी भी अगर साइट पर घूमने जाते होंगे, चाहे लाल किला हो चाहे कहीं भी जाते हो, तो जो जनरल पास या जनरल टिकट लगता है वो 50 रुपये का ही लगता है। तो 50 रुपये के टिकट आप इसलिए कटाएंगे क्योंकि आप सस्ते में चल सके, क्योंकि अगर आप 100 रुपये का टिकट कटाते हैं तो आप बस से जाएंगे, 500 कटाएंगे तो हो सकता है आप ऑटो लेके जाएं। तो 50 रुपये का आप इसलिए टिकट कटा रहे हैं क्योंकि आप रथ से ट्रैवल कर सकें। तो 50 रुपये की नोट आप निकालते हैं रथ का टिकट बुक करने के लिए। इस तरीके से आप 50 रुपये की नोट के पीछे का याद रख सकते हैं। फिर इसी तरीके से 100 रुपए की नोट के पीछे रानी की वाव, यानी क्वींस, क्वींस जहाँ पे स्नान करती, जहाँ पे वो लोग अपना जो दैनिक दिनचर्या है या नहाने का काम है जहाँ पे करती थी, तो रानी की वाव की तस्वीर है 100 रुपए के नोट के पीछे। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, देखिए रानियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा की जाती थी, तो आप ऐसे मान के चलिए कि कोई भी रानी जब भी स्नान करने जाएगी तो उसके साथ 100 और भी उसकी जो दासियां होंगी वो हमेशा जाती थी, ताकि रानियां जो हैं वो सुरक्षित तरीके से हर काम को कर सके। तो 100 रानियां एक रानी के साथ कम से कम 100 दासी को रखा जाता था। ये बहुत जनरल कहावत भी है कि हर एक रानियां जो पहले के समय में काफ़ी बड़े जो हमारे राज थे वहाँ पे जितनी भी रानी होती थी उनके पास कम से कम 100 दासियां रहती थी। तो 100 दासियों को लेकर रानियां जाती थी, इसलिए रानी की वाव 100 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। फिर 200 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप छपा हुआ है। देखिए सांची स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अगर आप सांची घूमना चाहते हैं तो आपको भोपाल से जाना पड़ेगा। तो भोपाल से सांची तक जब भी आप जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे लगता है। तो आप 2 घंटे के हिसाब से ट्रैवल करेंगे भोपाल से सांची तक। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो 200 रुपए का नोट है उसके पीछे सांची स्तूप जो अशोका के द्वारा बनाया गया था उसकी इमेज है,
₹500 के नोट के पीछे रेड फोर्ट लाल किले की इमेज है। लाल किला ₹500 की नोट के पीछे छपा है और 2000 के नोट के पीछे हमारा मंगलयान छपा है। तो अगर आप याद इस तरीके से याद रखें कि 15 अगस्त को जब हम लोग लाल किले पे जाते हैं तो लाल किले के आसपास जितने भी एरिया होता है 500 मीटर का सबको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो 15 अगस्त हो या जब भी लाल किले पे कोई भी फंक्शन ऐसा करना हो जो हम लोग के देश के हित में हो या देश रिलेटेड कोई भी ऐसा फंक्शन लाल किले पे होता है तो हमेशा उस 500 मीटर के एरिया को ब्लॉक करते हैं। इसलिए ₹500 के नोट पे लाल किले की इमेज को छाप दिया गया। फिर 2000 का नोट हमारा मंगलयान को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे याद रखिए जो 21वीं शताब्दी है, जो 2000 के बाद से हमारी 21वीं शताब्दी लगी है, उसमें इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। 21वीं शताब्दी में मंगलयान को पूरी तरीके से सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में भेज कर, तो मंगलयान अगर हमने 2000 शताब्दी के बाद इंडिया ने एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है 21वीं शताब्दी में, इसीलिए 2000 के नोट के पीछे मंगलयान को रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप ये सारी याद करने की टेक्निक्स आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग को याद भी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखें, TCS के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए ट्रिक्स को बताया है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस लेक्चर से कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कोई भी क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, मैं सभी के आंसर्स देता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।